संख्या 18 श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय डॉक्टर मंजू सिवाच। कल महोदय ने जो कल दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दिया, मैं विनम्रता पूर्वक धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने सरकार की नीतियों और कार्यों का जो उल्लेख किया, मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करती हूँ। राज्यपाल जी का अभिभाषण निश्चित ही हमारी नीतियों व सरकार के कार्यक्रमों के पत्रक के रूप में व सरकार के कार्यशैली को पूर्ण रूप से दर्शाता है। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, महिलाओं का सम्मान बढ़ा, महिलाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार आया, साथ ही साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी बने और युवाओं ने तेजी से उनका फायदा भी उठाया। हमारी सरकार जहां एक तरफ इंडस्ट्रियल समिट करके व्यापारियों से चर्चा करती है और प्रदेश में व्यापार लाने की पूरी कोशिश करती है कि जिससे हमारे प्रदेश में व्यापार आए और हमारे कारखाने लगें और बड़े बड़े ग्रुप इस उत्तर प्रदेश में आए, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, ऐसा हमारी सरकार करती है। व्यापारियों का भी हमारी सरकार ध्यान रखती है, रोजगार का भी ध्यान रखती है और दूसरी तरफ हमारी सरकार किसानों का भी पूरा ध्यान रखती है। किसानों को समय समय पर DBT के माध्यम से निश्चित समय पर धनराशि भेजी जाती है और किसानों को जो भी हमारी नई योजनाएं आती हैं और साथ ही साथ किसानों को नए तरीके से कैसे खेती करनी चाहिए, हमारी सरकार किसानों को क्या क्या सब्सिडी दे रही है, ये समय समय पे किसानों की पाठशाला लगा के ब्लॉक स्तर पर ग्राम सभा के स्तर पर हमारी सरकार उनको समय समय पे बताती रहती है और किसान के जीवन में भी खुशहाली आए, युवा भी खुशहाल रहें, ऐसी हमारी सरकार की इच्छा है और सरकार हर वर्ग को, हर तबके को पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार गांधी जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से पूर्ण रूप से प्रेरित होकर काम करती है। ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं, वो अपने कार्यशैली में भी इसको दर्शाते हैं और हमारी सरकार का उद्देश्य यही है कि आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की नीतियों का लाभ मिल सके और ये जो लाभ हमारे आखिरी छोर का व्यक्ति है उसे 100% लाभ मिले और बिना किसी भ्रष्टाचार के मिले, क्योंकि हमारा पिछले आखिरी छोर पे जो व्यक्ति रहता है वो किसी न किसी रूप में पहले वंचित रह जाता था। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार जो सोचती है, जो मन में इच्छा रखती है, वही प्रत्यक्ष रूप में करती है। हमारी सरकार ने चाहे गांधी जयंती पर 36 घंटे का लगातार एक सेशन किया हो, चाहे संविधान दिवस पर स्पेशल एक सेशन किया हो, चाहे हमारी सरकार ने सतत विकास की प्रक्रिया पे एक चर्चा करी हो। हालांकि विश्व के स्तर पर बहुत समय से इसमें चर्चा हो रही थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने जब इसको गंभीरता से और प्रदेशों से भी लेने के लिए कहा तो हमारे प्रदेश की सरकार ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है उसके बारे में गंभीर चर्चा करी और यदि हम इसी को लेकर सस्टेनेबल ग्रोथ होगी तभी हम आने वाले 10-15 साल के प्रोग्राम बना सकते हैं और जनता को हमारी जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं उनका फायदा मिल सकता है। उसमें एक गंभीर चर्चा हमारे सदन में हुई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष जी, व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा एक अपना घर हो और बहुत सालों से आज़ादी के भी 7 दशक से ऊपर हो गए, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका अपना घर नहीं है। इसके बारे में आदरणीय मोदी जी ने सोचा और प्रदेश के स्तर पर आदरणीय योगी जी ने अपने प्रदेश के लगभग अब तक 17 लाख व्यक्तियों को अपना घर मुहैया करा दिया है और बाकी अभी किसी एक लेवल या दो लेवल पर उनका काम चल रहा है, निकट भविष्य में वो घर भी पूरे हो जाएंगे और जो हमारी जनता का सपना होता है कि मेरा एक अपना घर हो, वो उनको अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से ज़रूर निकट भविष्य में मिलेगा। घरों के साथ साथ लगभग 1,47,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। मैं राज्यपाल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसका चर्चा करा, क्योंकि उज्ज्वला के माध्यम से जो घरों में हमारी बहनों को गैस मिली है वो सिर्फ एक खाना बनाने तक ही सीमित बात नहीं है। ये गैस उनको देना ये उनके स्वास्थ्य से संबंधित है, उनके आँखों से संबंधित है, क्योंकि ये देखा गया था कि महिलाओं की आंखें और फेफड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। उसका कारण यही था कि हमारी ग्रामीण बहनें अधिकतर चूल्हे में खाना पकाती हैं और उससे उनको ये परेशानियां होती रहती हैं और उनकी आयु भी इससे कम हो रही थी। तो
राज्यपाल महोदय ने जो इसको उठाया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि महिलाओं की जीवन शैली बदलने में ये उज्ज्वला योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज महिलाओं की जीवन शैली बदल रही है, महिलाओं का स्वास्थ्य बदल रहा है, महिलाओं की शिक्षा बदल रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में लगभग 2,61,00,000 परिवारों को हमारी सरकार ने बहुत तेज गति से शौचालय दिए। अध्यक्ष जी, शौचालय हालांकि आज़ादी के बाद बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे, क्योंकि वर्ल्ड दुनिया का भी बहुत यूएनओ का भी बहुत प्रेशर रहता था, लेकिन ये हमारी सरकार के कार्यकाल में ही प्रदेश को ODF किया गया, एक एक जिले को लेके ODF किया गया और हमारे लगभग सभी जिले ODF हो गए हैं। और ये सिर्फ शौचालय की बात नहीं है, ये महिलाओं के मान सम्मान और उनकी मर्यादा से भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शौचालय के माध्यम से हम कितने सालों से लगे हुए थे कि पोलियो हमारे देश से हटे, ये शौचालय के माध्यम से ये जितने भी संक्रमण के रोग हैं इनमें निश्चित ही कमी आई है। और आने वाले 5 साल में जब डाटा कलेक्ट होंगे तो हमारे ग्रामीण अंचल में और ख़ास तौर से जो शहरी बाहरी क्षेत्र हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं जिनके पास शौचालय नहीं थे और अब वो शौचालय प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन आएंगे, ऐसा इस शौचालय का फायदा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने बिजली के कनेक्शन की भी चर्चा करी। इतने सालों आज़ादी के बाद हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कितने सारे लोग बिजली के तारों से, बिजली के बल्बों से महरूम रह गए थे। हमारी सरकार ने 1,24,00,000 कनेक्शन सौभाग्य योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीणों को, हमारे शहर के दूर के व्यक्तियों को दिए और उनकी ज़िंदगी में रोशनी आई। बिजली का बल्ब होना सिर्फ रोशनी से ही संबंधित नहीं है, जहाँ जहाँ बिजली जाती है उस गांव के हालात बदल जाते हैं, उस गांव में रहने वाले बच्चों के हालात बदल जाते हैं, उस गांव की महिलाओं के हालात बदल जाते हैं और निश्चित ही जहाँ जहाँ बिजली जाती है तो वहाँ साक्षरता भी बढ़ जाती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बिजली के जो 1,24,00,000 कनेक्शन हैं, ये सिर्फ कनेक्शन मात्र ही नहीं दर्शाते हैं, इन कनेक्शन देने के पीछे हमारी सरकार की बहुत बड़ी मेहनत है। अगर आज हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क के एक तरफ हमें हाई टेंशन वायर दिखते हैं, कहीं डोमेस्टिक सप्लाई के वायर दिखते हैं, कहीं पे हमें इंडस्ट्रियल एरिया के लिए वायर दिखते हैं और कहीं पे जंगलों में खेती के लिए हमें वायर दिखते हैं। हमें सड़क के चारों तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो कहीं 3 तरह के खंभे हैं, तो कहीं 4 तरह के खंभे हैं और कहीं 5-5 तरह की विद्युत लाइन भी हैं। ये सब कुछ हमारी सरकार के कार्यकाल में संभव हो पाया कि हर व्यक्ति को, जो चाहे अंतिम छोर पे हो, चाहे वो बड़ा व्यवसायी हो, उसको उसके अनुसार विद्युत की सप्लाई करी गई। साथ ही साथ हमारी सरकार ने ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, क्योंकि जब विद्युत ज़्यादा यूज़ होगी तो ट्रांसफार्मर का जो वेयर एंड टीयर है वो भी होगा और वो ख़राब हो सकते हैं। पहले सरकारों के समय में ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते थे, ग्रामीण परेशान रहते थे। हमारी सरकार ने हमारे इस कार्यकाल में निश्चित करा कि ट्रांसफार्मर बदलना जनता का काम नहीं है, सरकार का काम है। और आज ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी 24 से 48 घंटे में बदल दिए जाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आधुनिकीकरण के साथ साथ लोग शहर की तरफ भागते हैं और शहर के और गांव के बीच में जो खेती की ज़मीन होती है उसमें घर बना के रहने लगते हैं। ये सभी गरीब तबके के लोग होते हैं और ये देखने में आया कि ये छोटे छोटे घर बनाते हैं और अधिकतर ये होता है कि कभी छज्जे बाहर निकल रहे हैं, कभी घर के ऊपर की मंजिल बाहर आ रही है और बिजली के तार उन्हें छू जाते हैं। हमारी सरकार ने उनके गरीबों के जान माल की चिंता करी और यदि हम नज़र दौड़ाएंगे तो आज हमारी छोटी छोटी कॉलोनीज़ में और हमारे जो शहर के बाहर के ये जो मोहल्ले डेवलप हो गए हैं, इनमें प्लास्टिक कोटेड तारों से उन नंगे तारों को रिप्लेस करा जा रहा है कि जिससे हमारी सरकार, ये हमारी सरकार का पूरा ये दर्शाता है कि हमारी सरकार के लिए गरीब से गरीब आदमी की भी सुरक्षा कितने मायने रखती है। साथ ही साथ सरकार ने स्वच्छ जल पर भी बहुत ध्यान दिया है, आदरणीय महोदय ने भी इसमें चर्चा करी थी कि स्वच्छ जल हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हो भी क्यों ना, क्योंकि स्वच्छ जल नहीं होगा तो हमारे जो जनता है उसको तरह तरह की बीमारी हो सकती है। और हमारी सरकार स्वच्छ जल के लिए नल से जल देने की योजना कर रही है और उस पर कार्य भी चल रहे हैं। आज गांव में भी हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि नल से ही जल दिया जाए और उसमें आगे कार्य भी चल रहे हैं। इसी तरह से स्कूलों में, गाँव में, पंचायत घरों में सोलर एनर्जी से चलने वाले RO सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे ग्रामीण भाई बहनों को दूषित पानी पीने को मजबूर ना होना पड़े, उनको साफ RO वाला जल मिल सके।
इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से राज्यपाल महोदया ने कानून व्यवस्था के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाया था। उन्होंने बताया था कि कमिश्नर प्रणाली हमारे दो शहरों में शुरू हो गई है, जो प्रणाली के लिए बहुत सालों से ये अटकी पड़ी थी। इसके लिए आदरणीय योगी जी ने कदम बढ़ाया और दो शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू करी। निश्चित ही इससे कानून व्यवस्था आने वाले समय में सुधरेगी और हमारी जो जनता है उसको जल्दी से जल्दी जो भी न्याय मिल सकेगा। और खास तौर से बदलती जो कानून व्यवस्था है उसका एक उदाहरण अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फरुखाबाद अभी पुलिस ने अभी कितनी देर लगेगी थोड़ा थोड़ा सा सर बस 5 मिनट फरुखाबाद में जिस तरह से हमारे पुलिस बल ने हमारे बच्चों को सुरक्षित लेके आए उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक बच्चे को भी खरोच नहीं लगी और हमारी पुलिस जिसकी हम अधिकतर बुराई करते रहते हैं इन सारे के सारे बच्चों को सुरक्षित लेके आई। यातायात के लिए साधनों के लिए हमारी सड़कें अच्छी होना बहुत ज़रूरी है और ये निश्चित है कि जहाँ सड़कें अच्छी होती हैं वो प्रदेश वो जिला प्रगति करता है। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बुंदेलखंड रुहेलखंड सभी में सड़कों का एक जाल फैलाया है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं और जो बुंदेलखंड और रुहेलखंड का पिछड़ा इलाका था निश्चित ही ये हाईवेज होने के कारण वहाँ व्यापार भी बढ़ेगा, फैक्ट्रीज भी लगेंगी तो निश्चित ही वहाँ की जो जनता है उसको रोजगार के अवसर उनके घर पर ही मिल जाएंगे और उनके ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। इसी तरह से हमारे पश्चिम के क्षेत्र को प्रयागराज से जोड़ा गया तो निश्चित ही चाहे धार्मिक स्थलों को एक दूसरे से जोड़ना हो चाहे व्यापार के माध्यम से जोड़ना हो सड़कों का जाल जो बन रहा है उससे रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे जो जनता है उसको सुविधा भी रहेगी। और अकेले सड़क मार्ग भी नहीं अध्यक्ष जी, हवाई मार्गों को भी सरकार पूरी तरह से विकसित कर रही है और उसका एक उदाहरण हमारा हिंडन एयरवेज है जहाँ से बड़े बड़े शहरों के लिए हर हफ्ते कोई ना कोई नई उड़ान चल रही है। और हमारी सरकार की ये इच्छा है कि उच्च वर्ग के लोग तो अधिकतर एयर ट्रैवल करते ही हैं कि लेकिन मध्यम वर्गीय लोग भी एयर ट्रैवल करें और हवाई सफ़र करके अपनी ये महसूस करें कि हवाई सफ़र से उनका कितना टाइम बचेगा, उनका व्यापार कितना अच्छा होगा। एक मुख्य चीज़ हमारी सरकार की, हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे बच्चों का, हमारे गांव के बच्चों का, खासतौर से गरीब बच्चों का प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी हो। माननीय महोदय ने भी इसमें चर्चा करी थी और प्राथमिक शिक्षा हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा एम है। हमारे जो बच्चे हैं अगर 5वीं क्लास तक अच्छे नहीं पढ़ेंगे तो हम 6ठी क्लास में एक क्वालिटी स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे। हमारी सरकार ने इस पर 3 साल बहुत मेहनत करी है और आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारी स्कूलों के बच्चे अच्छी यूनिफॉर्म में आते हैं, जूता मौजा में आते हैं, बैग लेके आते हैं और वो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और उनके साथ साथ हमारे शिक्षकों में भी बदलाव आया। अध्यक्ष जी, जब सरकार चिंतित होती है बच्चों के प्रति तो वहाँ के अफसर, वहाँ के सरकारी अफसर और वहाँ के शिक्षकों में भी बदलाव आता है। मैंने स्वयं देखा है कि हमारे शिक्षक गांव-गांव घूम के मजदूरों के बच्चे, भट्टे मजदूरों के बच्चे, बंजारों के बच्चे उनको स्कूल में लेके आते हैं और उनको प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि शिक्षक लेके आए। मैं उन शिक्षकों को भी धन्यवाद देती हूँ, अपनी सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि गरीब होना तो ये भगवान गरीब परिवार में जन्म देता है लेकिन वो बच्चा गरीब ना रह जाए, वो बच्चा अशिक्षित ना रह जाए ऐसा हमारी सरकार सोचती है और उस दिशा में पूरे प्रयत्न कर रही है। और यही नहीं, स्कूलों में शौचालय, लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय अलग है, साफ पानी की भी पूरी व्यवस्था है जिससे कि बच्चे हमारे स्कूल में अधिक समय तक रहें। साथ ही साथ हमारी सरकार वनवासियों के लिए भी शिक्षा के लिए और उनके ज़िंदगी में परिवर्तन आए, उनके घर अच्छे हों उसके लिए भी पूरा ध्यान दे रही है। जहाँ एक तरफ हमारी सरकार प्राथमिक शिक्षा में ध्यान दे रही है वहीं हायर एजुकेशन में भी ध्यान दे रही है और मेरी ही सरकार के समय में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में बहुत सारे इंटर कॉलेजेस खुले हैं कि हमारे बच्चे गांव में ही इंटर कॉलेज कर सकें और फिर हायर एजुकेशन के लिए आगे जा सकें। और जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा था कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो अध्यक्ष जी आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही इतने डॉक्टर आ जाएंगे क्योंकि एक डॉक्टर को बनने में लगभग 5.5 से 6 साल का समय लगता है कि हमारे प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि डॉक्टरों की कमी हो पाएगी। और साथ ही साथ हमारी केंद्र सरकार भी और हमारी राज्य सरकार भी अपने गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित है। जिस तेजी से हमारे उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना और माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आरोग्य योजना को लागू करा गया उससे गरीब को बहुत राहत मिली है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज गरीब
अपनी हार्ट की सर्जरी भी करा सकता है, घुटने भी बदलवा सकता है, स्टेंट भी डलवा सकता है, अपने हेड इंजरी का इलाज भी करा सकता है, अपने पेट में जो पथरी हो जाती है उनका दूरबीन से इलाज करा सकता है। दूरबीन के ऑपरेशन लग्जरी सर्जरीज मानी जाती थी, जो गरीब तो कभी सोच ही नहीं सकता था, लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाया हमारी सरकार से, क्योंकि उन्होंने बहुत तीव्र गति से आयुष्मान योजनाएं लागू करी। मैं राज्यपाल महोदय को विशेष तौर से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज देश में जैसे पोलियो हटा है, ऐसे राज्यपाल महोदय ने टीबी पे भी विशेष ध्यान दिया है, और उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है, और हमारी सरकार के माध्यम से टीबी के केस ढूंढने के लिए, उनको ढूंढ के दवा खिलाने के लिए, और उनको खाने पीने के लिए, उनका पोषण बढ़ जाए उसके लिए खर्चा देने के लिए भी तैयार है। आज हर गांव में, हर ब्लॉक में टीबी के मरीज ढूंढे जा रहे हैं कि जिससे टीबी का देश से खात्मा हो सके, क्योंकि हमें टीबी नहीं है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे परिवार में टीबी नहीं है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे आसपास कितने लोगों को टीबी है उस बात से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनसे टीबी पूरे समाज में फैल सकती है, और आजकल टीबी के खतरनाक रूप सामने आ रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। और जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा सभी के लिए चिंतित है, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो MMR हमारे को एक सम्मान मिला है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में हमारे प्रदेश में बहुत गिरावट आई है, अगर किसी सरकार, किसी प्रदेश की हमें स्तर देखना हो कि वो प्रदेश विकसित है, विकासशील है, या विकास में बहुत पीछे है, तो हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये MMR का रेशो ही हम देख लें। हमारे उत्तर प्रदेश में 30% इसका घट जाना इसमें बहुत बड़ी बात है, ये हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य को जाहिर करता है, उनकी शिक्षा को जाहिर करता है, प्रदेश सरकार की जो गंभीरता है उसको बताता है। उत्तर प्रदेश में प्रसव के समय में बहुत सारी डेथ हो जाया करती थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जो स्कीम है, यदि एक महिला गर्भवती होती है तो प्रदेश सरकार ने मातृ वंदन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ANM बहनें हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराती हैं, और रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य ये नहीं है कि एक गर्भवती महिला को 6,000 रुपये दे दिया जाए, नहीं, उसको कई कई चरणों में पैसा दिया जाता है कि महिला आए डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराए, तो उसको एक किस्त DBT के माध्यम से दी जाती है, फिर उसको TT का टीका लग गया तो दूसरी किस्त दी जाती है, उसकी हॉस्पिटलाइज डिलीवरी हुई तो तीसरी किस्त दी जाती है, फिर उसने अपने बच्चे को जब टीका लगा दिया तो उसकी फाइनल किस्त दी जाती है। और बात यही नहीं खत्म हो जाती अध्यक्ष जी, बच्चे को टीका लगवाने के बाद यदि वो बच्चा लड़की है तो हमारी सरकार की और भी योजनाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है, जो भी चाहे अपनी बच्ची के भविष्य के लिए उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी सरकार की कन्या सुमंगला योजना भी इन बच्चियों के लिए शुरू हो जाती है। आपने खुद महसूस करा होगा सभी ने कि पिछले 5 साल से 10 साल से समाज में परिवर्तन आया है, आज लड़कियों का पैदा होना इतना बुरा नहीं माना जाता जितना कि पहले माना जाता था, इस बदलाव के लिए हमारी सरकार भी जिम्मेदार है, और हमारी सरकार ने धीरे धीरे करके आम जनता के जनमानस के मनोभाव को बदला है, लड़कियों के प्रति सम्मान इसलिए भी बढ़ा है, और ये कन्या सुमंगला योजना भी यही है कि लड़की को अलग अलग स्तर पर टीकाकरण के लिए प्रेरित करा जाए, कहीं ना कहीं से हमें टीकाकरण के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, WHO का भी प्रेशर है, हर तरह का प्रेशर है, और अगर हम टीकाकरण से कोई बीमारी रोक सकते हैं तो कितनी अच्छी बात है, तो टीकाकरण पे उस बच्ची को पैसा मिलता है, फिर उसको पहली क्लास में एडमिशन लेने पे कि बच्ची को प्रेरित करा जाए कि बच्चे के माँ बाप उसको स्कूल में डालें, चाहे वो बच्ची गरीब है, चाहे वो बच्ची भट्टे के मजदूर के बेटी है, कैसी भी हो वो स्कूल जाएगी तो पहली क्लास में उसको धनराशि मिलती है, इसी तरह से उस बच्ची को जब वो प्राथमिक एजुकेशन अपनी पास कर लेती है तो 6ठी क्लास में 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार की बहुत ही तारीफ करती हूँ, बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, और हमारी जो राज्यपाल हैं वो भी इतनी संवेदनशील हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र करा कि बात यहीं नहीं खत्म हो जाती, जब लड़की 12वीं पास कर गई तो उसकी शादी की चिंता होती है, तो आदरणीय योगी जी ने उसका भी उपाय निकाल लिया कि जो गरीब लोग हैं उनका बच्चों का सामूहिक विवाह कर दिया जाए, और सामूहिक विवाह कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकारी योजना है, सामूहिक विवाह एक उत्सव की तरह से होता है, जैसे राम जी की बारात शहरों में चलती है इस तरह से उनका आयोजन होता है, और आदरणीय अध्यक्ष जी, इन सामूहिक विवाह के साथ सिर्फ बच्चों को सरकारी जो पैसे हैं उनके खाते में जा रहे हैं ऐसा ही नहीं है, इससे समाज में भी बदलाव आया, आज व्यापारी वर्ग, आज NGOs, आज सोशल वर्कर्स
ये बढ़ चढ़कर इन सामूहिक विवाह में भाग लेते हैं। जो सरकार उनको मदद कर रही है वो तो मिलती मिलती है, कोई सिलाई की मशीन दे देता है, कोई फ्रिज दे देता है, कोई टीवी दे देता है, इतना सब कुछ दिया जाता है तो उस लड़की की शादी का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो जाता है और वो भी सामूहिक विवाह के रूप में। और इससे प्रेरित होके मैंने देखा है कि बहुत सारे सामाजिक लोग भी अपने हिसाब से बिना सरकार की मदद लिए भी दो दो चार चार बच्चियों की शादी करा रहे हैं। ये सरकार ने हमारे बदलाव करा है समाज में। और आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी खूबसूरती इस योजना की यह है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन साथ के साथ ही दे दिया जाता है, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन आज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी हम जितने लोग बैठे हैं, आई डोंट थिंक कि किसी के, अधिकतर के पास हो सकता है हो, लेकिन कुछ के पास नहीं भी होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो इस सामूहिक विवाह में साथ के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन भी दे दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार की और आदरणीय राज्यपाल महोदया ने चर्चा करी गंगा यात्रा की, इसके लिए भी मैं उनको विशेष धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि गंगा यात्रा 1380 किलोमीटर की सिर्फ यात्रा मात्र ही नहीं है, ये गंगा को कैसे टूरिज्म और राफ्टिंग के लिए प्रयोग करा जाए, ये कैसे गंगा के किनारे जो गांव है उनकी संस्कृति को संजो के रखा जाए, कैसे गंगा किनारे जो प्रदूषण हो गया है उसको कम करा जाए, वृक्षारोपण करा जाए, ये गंगा यात्रा इसी को डिपिक्ट करती है कि ये हम गंगा जी के में जो प्रदूषण हो गया है उसको कैसे खत्म करें, वृक्षारोपण कैसे करें, और भविष्य में गंगा जी को परिवहन के लिए हम कैसे प्रयोग करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय राज्यपाल महोदया को कि उन्होंने इसकी चर्चा करी। अंत में बस एक मिनट में अध्यक्ष जी ये कहना चाहूँगी, ये हमारा सभी का सौभाग्य है कि अयोध्या जी का फैसला हमारे कार्यकाल में आया और मेरी सरकार को ये मौका मिलेगा ये शुभ काम करने का कि अयोध्या जी का पूरा विकास हो सके। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे पूरा समय दिया, और पूरे सदन को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको माननीय